लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। पाकिस्तान की बात करें तो वे इस समय काफी बड़ी साजिश करने वाला है। कोरोना वायरस के संक्रमण को वे हल्के में ले रहा है, बाकी अन्य चीजों में लगा हुआ है। पाकिस्तान सेना के जवानों और अधिकारियों को पीओके में लाने वाला है और वे चाहता है कि पीओके की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदला जा सके। पाकिस्तान में मिली गुप्त जानकारी के अनुसार पाक के जितने भी रिटायर्ड फौजी हो गए हैं उनको पीओके के अलग अलग इकोनों में बसाया जाएगा, जबकि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में पाकिस्तान मजदूरों को भी पीओके में बसाया जाएगा। यानी कि चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला किया है और की जमीन को चीनी कंपनियों को दे रही है। जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर एके महापात्रा ने बताया कि भारत सरकार ने जिस तरह से कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया उसी तरह से पाकिस्तान सरकार को काफी ज्यादा डर सता रहा है और वे सोच रही है कि भारत पीओके पर कब्जा ना कर ले, इस वजह से उसने चीन को अपनी जमीन बेचना चालू किया है। पीओके में पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को वहां पर भी रखा था, जिस वजह से कई लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। डर की वजह से ही डेमोग्राफी में बदलाव पाक कर रहा है। पाकिस्तान सरकार की बात करें तो वे चीनी कंपनियों को जमीन बेचने का काम कर रही है। चीन और पाकिस्तान की बात करें तो इस समय एक दूसरे का काफी साथ दे रहे हैं, शायद उनका एक दूसरे से यही मकसद जुड़ा हुआ है।